हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पे और इस जगह का नाम है बिंदेश्वरी। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूलों की वैरायटी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पिछले 22 सालों से बाबा जी अपनी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे है बाबा जी की खूबसूरत सी एक छोटी सी कुटिया और यहाँ पे बाबा जी का भी आश्रम बना है। और ऊपर की साइड आपको खूबसूरत से पेड़ पौधे और फूलों का बगीचा देखने को मिलेगा। और इसके ठीक टॉप में है माँ नैना देवी का खूबसूरत सा मंदिर। और अभी यहाँ पे बहुत सारा कोहरा वगैरह भी लगा हुआ है तो इसलिए क्लियर दिख नहीं पा रहा है। और ये फूलों का पूरा बगीचा है। और नीचे साइड को चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको बाबा जी की 22 सालों की चप्पलें देखने को मिलेंगी जो कि बाबा जी ने अभी तक यहाँ पे संभाल के रखी हैं। और ऊपर की तरफ आपको छोटे छोटे खेत बने दिखेंगे जो कि बाबा जी ने खुद बनाए हैं और इन पे खूबसूरत से फूल फूल लगाए हैं। और इधर साइड कुटिया की तरफ चलते हैं, कुटिया के नीचे की साइड भी बाबा जी ने काफ़ी सारे फूल वगैरह लगाए थे, लेकिन बट यहाँ पे बरसात का मौसम है आजकल तो इसलिए इनके जो कुटिया के आगे की दीवार थी वो टूट चुकी है। और यहाँ पे ये अभी इस तरह का नज़ारा हो रखा है। और यहाँ पे देखिए बाबा जी ने काफ़ी सारे लकड़ियाँ भी रखी हैं संभाल के आग जलाने के लिए। और इस साइड आपको एक केले का पेड़ दिखेगा और इस साइड सोलर लाइट लगी है एक छोटी सी। और इस तरफ है बाबा जी के पानी का धारा जहाँ से बाबा जी अपने लिए पानी लाया करते हैं। पानी ऊपर जंगलों से ही आता है और छोटी सी एक नहर जा रही है जहाँ पे बाबा जी अपना पानी लाया करते हैं जहाँ से। और ये है वो नहर, इसी नहर से नीचे को पानी आता है और यहाँ पे बाबा जी का स्नान, जहाँ पे बाबा जी रोज सुबह शाम स्नान करते हैं ये वो जगह है। और ये है पानी का धारा, यहाँ पे खूबसूरत सा पानी का एक धारा है।